आज छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अन्य विशेष न्यायाधीश की उपस्थिति में विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट, जो बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध से संबंधित अधिनियम है, इसके अतिरिक्त NDPS एक्ट और फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट के द्वारा विभिन्न विषयों पर कानूनी जो प्रावधान है उसके बारे में अवगत कराया गया। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों की जो जिज्ञासाएं थी इन विभिन्न प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए, न्यायालय में जो ट्रायल के समय समस्याएं आती हैं या किसी तरह की अन्य विवेचना के दौरान आने वाली परेशानियों के निराकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेशन यहाँ पर संपन्न हुआ है। और सभी पुलिस अधिकारियों को माननीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए विशेष जो इनके अनुभव के दौरान प्राप्त होने वाली जो कमियां हैं उससे अवगत कराने पर आगे आने वाले दिनों में विवेचना में और सुधार आना और साथ ही साथ दो सिद्धि के प्रतिशत में बढ़ोतरी करना इसका उद्देश्य रहा था। और ये एक अच्छा कार्यक्रम आज जिले में संपन्न हुआ है। सर, क्या इस तरीके की कार्यशाला नियमित रूप से कराई जाती रहती है? अभी पीछे कुछ महीनों से चूँकि कोविड के कारण सारी चीज़ें हम ऑनलाइन करवा रहे थे और यहाँ पर FDDI के इंस्टीट्यूट में बड़ा स्थान होने के कारण हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये एक कोविड काल के दौरान ये पहला कार्यक्रम करवाया है जिसमें हमने सीमित संख्या में लोगों को बुलाकर इंटरेक्शन करवाया है। आगे आने वाले दिनों में भी अन्य विशेष प्रावधानों जो अधिनियम है उसके तहत ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।